बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आमलेट, वेजिटेबल आमलेट। तो उसकी रेसिपी कुछ यूँ है, मेरे पास ये दो अंडे हैं, मैंने कुछ ये गाजर काश करके रखी है, शिमला मिर्च है मेरे पास, प्याज और ये है आलू। उसके बाद एक टीस्पून मेरे पास है नमक और एक टेबलस्पून सुरख मिर्च है, एक पिंच मेरे पास ये हल्दी, थोड़ी सी एक पिंच ये मेरे पास अजवाइन, ज़ीरा, साद दाने कलवंजी के। इन सब चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो आइए इनको मिक्स करते हैं। देखिए मैंने सारा मिक्स करके रख लिया, अब मैं इसको पकाऊंगी। तवा मैंने पहले से थोड़ा ऑयल डाल के गरम कर लिया हुआ। ये देखिए मैंने इसकी गोल टिकिया सी बना दी है, अब मैं इसको ऐसे कवर कर दूंगी। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट लगेंगे। ये बहुत जल्द तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। बस टाइम हमारा रात कल का बना हुआ या सुबह का बना हुआ सालन ख़त्म हो जाता है, बच्चों को भूख लगी है तो ये उसके लिए बेहतरीन आमलेट है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा, आप भी इसको ट्राई करें। ये देखिए मैंने इसकी साइड टर्न कर दी है, बहुत अच्छी शेप और शक्ल बनी है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। पराठे के साथ आप इसको खा सकते हैं। हाँ जी, ये देखें हमारा आमलेट रेडी हो गया। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाह। ये बहुत जल्दी में और बहुत कम टाइम में तैयार होने वाली हमारी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मैं कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनाना चाह रही हूँ जो कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, बच्चों को भूख लगी है, हमें लगी है, सालन अवेलेबल नहीं है, और जल्दी में तैयार होने वाली ये रेसिपीज़ हैं जो 1.5-2 मिनट में मैं तैयार कर लेती हूँ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी इंशाल्लाह। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।